सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र महेश्वर में पदस्थ रेडियोग्राफर मुकेश हिरवे का वेतन आदेश 21 अप्रैल 2022 को मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी खरगोन द्वारा जारी किया गया था, जिसके तहत 9 मई को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र महेश्वर के द्वारा वेतन आहरण के लिए बिल लगाए गए, लेकिन 15 दिन बीत जाने के बाद भी वेतन आहरण नहीं होने पर मुकेश हिरवे द्वारा लेखा शाखा में पता लगाया गया तो स्थानीय लेखापाल ने बताया कि ट्रेजरी लेखा शाखा और उच्च अधिकारियों द्वारा वेतन आहरण करने के लिए 8,000 रुपये की मांग की गई। 11 महीने के वेतन नहीं मिलने के कारण परेशान होकर आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है मीडिया की शरण ली और मुकेश हिरवे ने बताया कि इस पर जांच की जाए, जो भी दोषी है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। महेश्वर से दिलीप यादव की रिपोर्ट। क्या नाम लिखते हैं आप? मुकेश हिरवे, रेडियोग्राफर महेश्वर। किनके द्वारा आपके वेतन आहरण को लेकर पैसे की मांग की जा रही है? 21 अप्रैल 2022 को मेरा वेतन आदेश CMHO खरगोन द्वारा जारी हुआ था और 9 मई को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र महेश्वर द्वारा बिल लगाए गए, तो 15 दिन तो ये समझ में नहीं रहा कि आदेश कहाँ दबा हुआ था। उसके बाद फिर 10-15 दिन बाद फिर मेरा द्वारा जानकारी ली गई तो स्थानीय लेखापाल द्वारा बताया गया कि वहाँ पैसे की मांग की जा रही है। क्या नाम है स्थानीय लेखापाल का? सतीश देसावरे। तो कितने पैसे की मांग की जा रही है आपसे? उन्होंने सब बताया कि वहाँ पे मांग की जा रही है, उन्होंने मांग नहीं करी, उन्होंने बताया वहाँ मांग की जा रही है 8,000 रुपये की। कहाँ पर मांग की जा रही है ये बता रहे थे? ट्रेजरी लेखा शाखा और खरगोन और ऐसा कुछ बता रहे थे वो। मैं तो क्या है, मानसिक रूप से बहुत प्रताड़ित हूँ, 6 महीने से वेतन आहरण नहीं हुआ है, बच्चों की बहुत समस्या जा रही है और स्कूल फीस भी नहीं भर पा रहा हूँ, मकान किराया, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो कितने समय से आपको वेतन नहीं मिला? मुझे कम से कम 11 महीने से वेतन नहीं मिला है। मेरे अभी संज्ञान में अभी आया नहीं, अभी मुझे पता लगा है। यदि ऐसे यदि वो इस प्रकार का रिश्वत मांग रहा है तो वो गलत है। यदि मांग रहा है और तो सब उसके कार्रवाई करेंगे। पर एक नहीं दो लोगों का बता रहे हैं कि अभी हम जो भी मांग रहा है रिश्वत उसके पता लगा लेते हैं कौन क्या है, या तो उसके ऊपर आगे कार्रवाई करते हैं। कोई सतीश करके? हाँ, कोई सतीश कोई बाबू है ना वहाँ पे, मतलब बाबू है वो। ठीक है, मैं हम अभी उसकी इंक्वायरी करते हैं जांच करके। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।